रनों का पीछा शुरू किया है जोहा टीम के बल्लेबाजों ने। पांच गेंदों में 11 रनों की जरूरत। बाकी चलिए मैच बगा तिकड़ स्कोरिंग आम्ही सांगतो, तुम्ही तिकड़ मैच बगा। वैभव एक बार फिर तैयार। ये गेंद डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के ऊपर दिलों की धड़कनें तेज होती हुई। चार गेंदे 11 रन। पहला ही मुकाबला कड़ा होता हुआ इस मैदान के ऊपर और दर्शक जिस मुकाबले के उम्मीद बनाए रखते थे उस मुकाबला से पैसे वसूल हो चुके हैं दर्शकों के। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या गेंदबाज हावी होंगे क्या फिर बल्लेबाज बड़े हिट्स लगाएंगे। चार गेंदे 11 रन। वैभव फुल टॉस गेंद, कोई इस गेंद के ऊपर पूरी नसीहत गेंद गई है डीप स्कोर लग सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में। तीन गेंदे 5 रन। कंपल्सरी चेसिंग इस श्रृंखला का निर्णय है। 3 गेंदे 5 रन। दोनों संघाच्या पाठरेकांना विनंती आहे कुठलाही संघ विजयी झाला तरी पाठरेकांनी प्लीज आज जाऊ नये, पेनल्टी लागेल। 3 गेंदे 5 रन। वैभव ये गेंद, यहां सुनहरा मौका डेंजर एंड पर रनआउट के रूप में अपना कीमती विकेट खोया। तो मुकाबला फिर एक बार करवट बदलता हुआ। 2 गेंदे 5 रन। दोस्तों याद होगा पहला मिनी वर्ल्ड कप बांग्लादेश में खेला गया था, पहला मुकाबला था न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे और क्रिस हैरिस थे स्ट्राइक पर, नील जॉनसन थे गेंदबाज और आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी और क्रिस हैरिस ने लगाया था चौका, नील जॉनसन पड़े थे रो पड़े थे बीच मैदान पर। मिनी वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला, वही मुकाबला यहाँ याद दिलाते हुए। वैभव ये गेंद स्लोअर डिलीवरी और अब कंपल्सरी चेसिंग है तो छक्का ही लगाना लाजमी होगा। क्या बनेंगे जावेद मियादाद या फिर शिव नारायण चंद्रपाल। और अभी अभी जो मुकाबला खेला गया था बांग्लादेश के खिलाफ उसमें दिनेश कार्तिक ने लगाया था छक्का एशिया कप के फाइनल में। तो तीन बड़े दिग्गज चेतन शर्मा के ऊपर लगाया था जावेद मियादाद ने, चामिंडा वास के ऊपर लगाया था शिव नारायण चंद्रपाल ने और अभी अभी दिनेश कार्तिक ने लगाया था एक छक्का और जीता था भारत एशिया कप। यहां सुनहरा मौका है बल्लेबाज सुनील और गेंदबाज हीरो बनने का मौका यहाँ सुनील को और अगर छक्का लगता है तो हीरो के जीरो बनेंगे। वैभव क्या मुकाबला, 40-39 रन का एक रन को बचाने में सफल क्या रह पाएंगे रावा टीम के गेंदबाज। वैभव अगर विकेटों के करीब फील्डर रखा जाए तो नियम साफ है आवाज तक नहीं आनी चाहिए, आप जरा भी हिले तो तुरंत नो बॉल दी जाएगी। सभी टीमें ध्यान दे, आने वाले टीमें भी ध्यान दे, वहां अगर आप फील्डर रखते हैं वो फील्डर जरा भी आवाज ना करे, जरा भी हलचल ना करे, अगर जरा भी हलचल या आवाज आई तो तुरंत नो बॉल दी जाएगी। आखिरी गेंद 6 रनों की जरूरत है, बल्लेबाज स्ट्राइक पर सुनील, जीरो से हीरो बनने का एक सुनहरा मौका, अंपायर का इशारा यह मुकाबला शुरू होने का
और सभी की धड़कनें तेज होती हुई। और रायबा देवी रावे टीम जीती है। दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत इस मैदान के ऊपर। उसके बाद पहले दौर का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। दादर बनाम आम्बिवली, आम्बिवली टीम ने टॉस जीता है, विनती है और क्षेत्ररक्षण के लिए उतरी है। धन्यवाद और 80